हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं पुत्र प्राप्ति का बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाला हूँ। भगवान शिव जी की कृपा से आपको संतान की पुत्र की प्राप्ति होगी और इसके लिए आपको एक चमत्कारी उपाय करना है। संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति का अचूक उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय के करने से आपको पुत्र की संतान की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों भगवान शिव जी की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिस मनोकामना से हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं वह मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आपको पूरे श्रद्धा भाव से और लगन के साथ में भगवान की आराधना करनी चाहिए। आप पूरी लगन और श्रद्धा के साथ में अगर आराधना करेंगे, चाहे वो पुत्र प्राप्ति के लिए हो चाहे धन प्राप्ति के लिए हो, वह आपकी अवश्य पूरी होगी। आज मैं आपको इसी संबंध में एक जानकारी दे रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ। आप ये उपाय करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों पुत्र प्राप्ति के लिए आप सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं, यानी आप अपनी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना बोल करके 16 सोमवार का व्रत करें। 16 सोमवार के व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। आप श्रावण के महीने में भी भगवान शिव जी की आराधना कर सकते हैं और उनसे पुत्र की कामना कर सकते हैं। श्रावण के जितने भी सोमवार आते हैं आप पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा करें, इससे मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों लास्ट में मैं एक उपाय बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुने, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों भगवान शिव जी की आराधना आपको किस विधि से करनी है वह मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोमवार के व्रत शुरू करें तो पहले सोमवार को आप शिवलिंग के सामने, शिव जी के सामने खड़े हो जाएं और अपनी मनोकामना बोल करके संकल्प के द्वारा व्रत शुरू करें। आप मीठे व्रत करेंगे तो उसका फल और अच्छा प्राप्त होता है। नमकीन भी रखे जाते हैं लेकिन मीठे व्रतों का प्रभाव ज्यादा होता है। आपको सोमवार के दिन व्रत शुरू करने हैं और सोमवार के दिन चौमुखी आटे का दीपक बना करके भगवान शिव जी के सामने जलाना है मनोकामना बोल करके, और एक बेलपत्र लेकर के उस पर ओम काढ़े, ओम नमः शिवाय लिखें और उस पर थोड़ी सी केसर रखें और एक मीठा पान, इसके द्वारा आप जो है शिव जी की आराधना करें। मोरपंख के द्वारा पुत्र की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही अचूक उपाय है और चमत्कारी उपाय, ये सोमवार को आपको करना है। किस विधि से करना है, कैसे करना है, उसकी वीडियो में अभी चैनल पर डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों सोमवार की पूजा शुरू करनी है और सोमवार को आपको मोरपंख का उपाय करना है, आपको 100% पुत्र की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आप ये उपाय जरूर करें जो मैंने बताया है। सोमवार को चौमुखी दीपक जलाएं, बेलपत्र पर ओम लिख करके, ओम नमः शिवाय लिख करके चढ़ाएं केसर और मीठे पान के साथ, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। और मोरपंख का वीडियो में डाल दूंगा, वह मिल जाएगा आपको।